टोक्यो में हरियाणा का दंका और इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। शुभकामनाओं का दौर भी लगातार जारी है। उनके माता पिता से बात की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और किस तरह से शुभकामनाएं दी उनसे बात की माता पिता से हमारे सहयोगी देवेंद्र कथूरिया ने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के गोल्ड के सूखे को खत्म किया है। गोल्ड आने से पूरा देश झूम रहा है। नीरज चोपड़ा के घर खंडरा में बैठे हैं हम लोग। उनके चाचा भीम, आज नीरज चोपड़ा पूरे देश का दुलारा बन गया और उनके चाचा भीम है जिनको हम मजाक में महाबली भीम भी कहते हैं। आज वो इंतजार खत्म हुआ, कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। आज परमात्मा ने हमारी तपस्या का फल दिया है और देशवासियों को वो तोहफा दिया है जिसकी देशवासी उम्मीद कर रहे थे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। आज मेरे देश, बस पूछो ना सर, शब्दों में बयान नहीं हो सकता जिस चीज के लिए मेरा भारत आज तक तरस रहा था। एथलेटिक में आज तक भी भारत का मेडल नहीं आया। आज इतने खुशकिस्मत हैं हम कि हमारे बेटे ने वो कर दिखाया, और हमारा बेटा नहीं, अब पूरे देश का बेटा है, क्योंकि हमारा बेटा तो तब तक था जब घर पे था, अब वो पूरे देश की प्रॉपर्टी है। तो नीरज चोपड़ा के चाचा हैं भीम, अभी मुख्यमंत्री जी ने इनको फोन करके बधाई दी है कि नीरज चोपड़ा ने हरियाणा नहीं पूरे देश का नाम किया है। मुख्यमंत्री जी ने किस तरह बधाई दी आपको? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश का नाम रोशन किया है और हम नीरज को पूरा मान सम्मान देंगे। उसके आने के बाद उसको सरकार की तरफ से भी जो भी होगा उस प्रोग्राम के हिसाब से वो तय करके उसका सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने, पहले भी सरकार ने इस गांव के लिए बहुत कुछ दिया, पधारे थे परसों भी, 6 करोड़ पे आया था, थोड़ी बहुत कमी चल रही थी, अब उम्मीद है वो कमी दूर करेगी सरकार। अब एक बार खुशियां मनाने दो, वो कमियों के बारे में तो फिर बातें करती रहेंगी। आज तो लिहाजा आज नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अद्भुत नजारा, एक तरह से दिवाली मनाई गई, दिवाली से पहले दिवाली आई है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव खंडरा, पानीपत।